जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप कोई भी दो नंबर काम, कोई भी गलत काम करेंगे जो गूगल ने मना किया आपको करने से, तो गूगल आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। कुछ गूगल पेनल्टीज डालता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग लो करके, लेकिन कुछ सीवियर किस्म की जो पेनल्टीज होती हैं उसमें गूगल मैन्युअली एक्शन लेता है आपके अगेंस्ट। अगर आप एक चीज़ वायलेट करते चले जाते हैं या आपका जुर्म इतना बड़ा है कि गूगल को लगता है कि भाई इसके अगेंस्ट मैं मैन्युअली बाकायदा खुद से जाके एक्शन लेता है, और एल्गोरिज्म से हट के एक इंसान, एक इंजीनियर, एक जो उनकी टीम है रिव्यू टीम, वो आपको बैन करती है, वो एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। अव्वल तो आपको यहाँ तक आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप आ चुके हैं तो गूगल आपको एक वे आउट भी देता है कि आप किस तरह से अपनी रिकंसिडर करवा सकते हैं। रिकंसिडरेशन का मतलब ये है कि गूगल उसको बाकायदा मैयर करेगा, जज करेगा, उसको एवेल्यूएट करेगा। जब एवेल्यूएशन में आप पास होंगे तब वो आपको अलाउ करेगा। उस एवेल्यूएशन के प्रोसीजर से गुजरना, वो प्रोसीजर क्या है वो मैं इस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक इस ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। और ये पेनफुल होने का मतलब ये कि बेसिकली जब आप ये काम करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको, काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके रिसोर्सेज भी सर्फ होंगे। अव्वल तो अगर आप अपनी वेबसाइट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा काम दोबारा ना करें और एक नई वेबसाइट चला लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको एक एज अ जॉब ये करनी पड़ती है, अगर आपको क्लाइंट पैसे देने को तैयार है, तो आप एज अ सर्विस भी इसको सेल कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि भैया आपकी वेबसाइट अगर बैंड है तो मैं आपकी वेबसाइट रिकवर करवा सकता हूँ। आप इसको अगर स्टडी कर लेंगे प्रॉपरली तो ये आप एज अ सर्विस सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं जो इस सर्विस को बेचते हैं। सो क्या वो टॉपिक्स हैं, मतलब ये डिटेल में मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप जाके पढ़ सकेंगे। मैं ओवरव्यू आपको समरी में बता सकता हूँ कि ये क्या क्या गूगल कहता है। सो गूगल जब भी आपको बैन करेगा तो आपकी वायलेशन की बताएगा कि वो क्या वायलेशन है। तो आपने रिकवरी के लिए बेसिकली क्या करना होता है कि आपने वो वायलेशन जो है जहाँ जहाँ जिस जिस पेजेस पे वायलेशन हुई है वहाँ से आप वायलेशन ख़त्म करेंगे। और वायलेशन की सेवेरिटी क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो अब आपको पता है। या गूगल ने जो आपको एरर दिया है वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपकी वायलेशन हुई है। उसको आप रिमूव करेंगे सारे पेजेस पर से। उसके बाद मेक श्योर करेंगे कि वो पेजेस जो हैं गूगल को क्रॉलेबल भी हैं, इंडेक्सेबल भी हैं, गूगल उनको एक्सेस कर सकता है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आप उसके बाद अपना जो है कॉन्टेंट गूगल को रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे। सबमिट करने के गूगल कहता है कि तीन मेन शर्तें हैं कि आप पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे गूगल को कि आपकी क्या गलती हुई थी, इशू क्या आया था जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो वायलेट हुई है। उसके बाद कहेगा कि आपने उसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और उसके अगेंस्ट आपने जो है वो उसके आउटकम्स क्या निकले हैं आपके एफर्ट्स के। गूगल ये प्रॉपर रिपोर्ट का फॉर्मेट बताता है। इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी कि गूगल ने टोटली प्रोसेस एक अपने कंट्रोल में रखा है कि अगर वो चाहेगा तो आपको अलाउ करेगा। सो इसमें कोई गारंटी नहीं है, ना आप किसी को गारंटी दे सकते हैं ना गूगल आपको गारंटी देता है कि क्या ये वेबसाइट रिकवर होगी कि नहीं होगी। सो डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम कि आपने किस तरह की, किस नौयत की वायलेशन की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या गूगल आपको कितनी देर में उसको रिकवर करेगा। तो इसमें महीने भी लग सकते हैं, इसमें दिन भी लग सकते हैं, इसमें हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर ही आप रिकवर कर जाएं, अपनी वो वेबसाइट मतलब वो रिज्यूम करवा लें। लेकिन इसका जो डैमेज हो चुका होगा ट्रस्ट लेवल पे, जो डैमेज है, अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह की वायलेशन है। लेकिन अगर आपने डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझ के आपने कुछ ऐसे काम किए थे जो गूगल को मैनिपुलेट करने के लिए, तो आपका ट्रस्ट ज़रूर डिस्टर्ब हुआ होगा गूगल से, और इसका मतलब यह कि गूगल आपको उसकी तरह से जज भी कर रहा होगा। तो एक आम वेबसाइट जो कभी पेनल्टी नहीं हुई उसकी एक ट्रस्ट लेवल डिफरेंट होता है, और एक ऐसी वेबसाइट जो जिसको जिस पे जुर्म साबित हो चुका है एक दफ़ा और आपने उसको रिकवर किया, उसका ट्रस्ट लेवल डिफरेंट होगा। इसीलिए जो हमारी एसईओ कम्युनिटी में आपको अगर कोई एक्सपर्ट मिलेंगे तो वो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अव्वल तो ये काम करें ही ना जिससे आपको बैन किया जाए। अगर आप बैन हो चुके हैं तो वो बैन को रिकवर करना इतना मुश्किल है कि उससे बेहतर आप उससे दो चार नई वेबसाइट्स बना लें और उनकी एसईओ शुरू कर दें, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा ऊपर आपको रिजल्ट्स दे देंगी और रिकवरी बेसिकली आपको मुश्किल हो जाएगी।